हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदित्य भट्ट और हम हमारा आरएनटीसीपी और एनटीईपी का जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग पीडियाट्रिक ट्यूबरक्यूलोसिस। चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। हम अभी जाएंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आस्पेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक टीबी पे। तो एज यू सबको एज अब आप एज यू ऑल नो कि वही जो पीडियाट्रिक टीबी है उसके अंदर हमने नई नई डेफिनेशन देखी कि माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड है। अगर नए पेशेंट है, न्यू माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड या क्लिनिकली डायग्नोस्ड टीबी, या रिफैम्पिसिन सेंसिटिव, आपने रिफैम्पिसिन सेंसिटिविटी कर दी, सबके लिए ट्रीटमेंट इज 2HRZE और 4HRE। ये अभी स्टैंडर्ड आ गया है, कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसा सब निकाल दिया है और ये स्टैंडर्ड हो गया कि अगर आपने फर्स्ट लाइन ड्रग का पीडियाट्रिक पेशेंट सेंसिटिव है और पहली बार डायग्नोस हुआ है, कभी पास्ट में ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आपने उसको 2HRZE और 4HRE से ही ट्रीट करना है, कोई और गाइडलाइंस आपने नहीं सिलेक्ट करनी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है कि भाई न्यूरो टीबी है, ब्रेन टीबी है या बोन टीबी है, तो इसके अंदर आप 2 महीना बढ़ा सकते हैं। जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो आप 2 महीना एक्स्ट्रा दवाई देके उसको बढ़ा सकते हो। बाकी जो उसके अंदर जो आपका जो कंटिन्यूएशन फेज है, जो ये कंटिन्यूएशन फेज है, वो आप 8 महीने तक बढ़ा सकते हो, अप टू 8 मंथ्स। ये 2 से 4 महीने तक आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर वो हील नहीं हो रहा है, न्यूरो टीबी है, तो आप बढ़ा सकते हो। बट अगर देर इज नो रिस्क फैक्टर और इम्प्रूवमेंट है पेशेंट में, तो 6 मंथ से ज्यादा ट्रीटमेंट इज नो मोर रिकमेंडेड। सो आपने एक प्रिजम्प्टिव टीबी आ गया आपके पास प्रिजम्प्टिव टीबी का पेशेंट आ गया और आपने सीबी नेट करवा लिया पेशेंट का। और सीबी नेट में क्या आया कि भाई सीबी नेट में ट्यूबरक्यूलोसिस पॉजिटिव आया, टीबी पॉजिटिव आया और फर्स्ट लाइन सेंसिटिव आया, और टीबी पॉजिटिव आया बट रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस आया। आपने क्या करना है, तो आपने प्राइमरीली ये करना है कि अगर ये आ गया आपका कि भाई फर्स्ट लाइन पेशेंट सेंसिटिव है, टीबी है, तो उसका फर्स्ट लाइन एलपीए करना है अगर अवेबिलिटी है तो, और ड्रग सेंसिटिव टीबी डायग्नोसिस करना है और उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चालू करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको। फर्स्ट लाइन एलपीए करना है, उसको लेबल करना है ड्रग सेंसिटिव टीबी और स्टार्ट फर्स्ट लाइन एकेटी। और अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस आ गया तो आपने करना है सेकेंड लाइन, लाइन प्रोग्रेस है। सेकेंड लाइन के लिए आपको फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस देखना है। फर्स्ट लाइन एलपीए में रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड सेंसिटिविटी देखते हैं, और सेकेंड लाइन जो लाइन प्रोब ऐसे होता है उसके अंदर फ्लोरोक्विनोलोन और अमीनोग्लाइकोसाइड का सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी होता है। तो जो फर्स्ट लाइन एलपीए अगर आप जो करते हो, और फर्स्ट लाइन एनपीए में आप जैसे देखते हो कि आइसोनियाजाइड का भी रेजिस्टेंस पता चलता है, तो अगर आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है या आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट लाइन एलपीए किया और ये दो चीज अगर आ गई आपके पास, तो इसको आप लेबल कर सकते हो ड्रग सेंसिटिव टीबी, इसको आप लेबल कर सकते हो मोनो रेजिस्टेंस टीबी, या वो और ड्रग्स को रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने टीबी किया और सेकेंड लाइन एलपीए किया, तो सेकेंड लाइन एलपीए में क्या हो सकता है, तो फ्लोरोक्विन का देखना है हमने। तो फ्लोरोक्विन हमने देखा, तो या तो फ्लोरोक्विन सेंसिटिव हो सकता है और या तो फ्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हो सकता है
नाउ अगर फ्लोरोक्विन सेंसिटिव हो गया तो उसको हम लेबल करेंगे एमडीआर और आरआर टीबी, रिफम्पेसिन रेजिस्टेंस टीबी और मल्टीड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और अगर फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस मिल गया तो हम उसको या तो लेबल कर सकते हैं प्री एक्सडीआर और एक्सडीआर टीबी। तो ऐसे होता है जो टीबी का जो डायग्नोसिस है या टीबी का जो लेबल होता है वो हम लोग ऐसे लगाते हैं कि भाई एलपीए करते हैं, और ये पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। सब पीडियाट्रिक पेशेंट में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना है, सीबीनेट करना है, इसीलिए ये पीडियाट्रिक ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ हमने एच आर जेड ई एस देखा तो हम लोग ऐसा उसका डोज देख लेते हैं, एच आर जेड ई और एस। सो जो आइसोनियाजाइड होता है उसका डोज होता है 10, रिफम्पिसिन का डोज होता है 15, पाइरेजिनामाइड का डोज होता है 35, एथाम्बिडोल का डोज होता है 20 और स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज है 20। दिस इज mg per kg। सब में स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम डोज आप सबको पता होगा सबका, बिकॉज आप अडल्ट में जो डोज देते हो वो मैक्सिमम डोज है, उसका डोज एक्सीड नहीं करना है। और उससे कम डोज है तो आपने ये देना है। तो मैक्सिमम डोज मैं एक बार इधर लेबल कर देता हूँ, इधर 300, इधर 600, इधर 2000, 1500 और 1000। इससे ज्यादा डोज आपने एक्सीड नहीं करना है। अगर आप ये डोज एक्सीड करते हो तो टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ते हैं। और आपने जरूर जरूर याद रखना है कि आइसोनियाजाइड के साथ आपको पाइरिडॉक्सिन 10 mg per kg देना ही है, भूले बिना 10 mg per kg पाइरिडॉक्सिन देना ही है। अगर आप पाइरिडॉक्सिन नहीं देते हो तो न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अभी आपने ये याद रखना है कि ट्यूबरक्यूलोसिस में स्टेरॉइड कब देना है। तो बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस है जिसके अंदर हमको स्टेरॉइड्स देने हैं। कौन सा है? टीबी, मेनिंजाइटिस देना ही है आपने स्टेरॉइड्स, पेरिकार्डाइटिस, टीवी का पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, जो हार्ट के अराउंड जो कवरिंग होता है हार्ट का, उसका स्वेलिंग हो जाता है, तो उसके अंदर आपने देना है। फिर एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज में देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड्स, इसके लिए हमको स्टेरॉइड्स देने ही है। फिर मिलियरी टीबी, जैसे हमने वो दाने वाला टीबी याद किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो टीबी अगर होता है खून से अगर फैल रहा है तो हमको वो टीबी के अंदर स्टेरॉइड देने ही देने हैं। अगर आप स्टेरॉइड नहीं देते हो तो पेशेंट को ज्यादा सीवियर फॉर्म्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और उसका लास्ट इंडिकेशन होता है टीबी यूवियाइटिस, जो आंख का टीबी होता है। तो आपने स्टेरॉइड टीबी में कब देना है, ये 5 कंडीशन है तब। बाकी अगर जीआई टीबी है तो स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं देना है। पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, पेशेंट के पेट में छेद होने के चांस, अंतड़ियों में छेद होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपने जरूर से याद रखना है कि भाई स्टेरॉइड ये 5 कंडीशन में देना है, खाली खाली स्टेरॉइड नहीं देना है। और पीडियाट्रिक में स्टेरॉइड का डोज होता है, प्रेडनिसोलोन देते हैं, प्रेडनिसोलोन मैक्सिमम 2 mg per kg हम देते हैं। और ऑलवेज रिमेम्बर, स्टेरॉइड को टेपर करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। 2 mg per kg अगर आपने 2 वीक से ज्यादा दिया है तो उसको फिर एक हफ्ते के लिए 1 mg per kg दो और उसके बाद बंद करो। तुरंत बंद कर दोगे तो पेशेंट को रिएक्शन और पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ जो ट्रीटमेंट आइसोनियाजाइड है, सबके साइड इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। आइसोनियाजाइड के साइड इफेक्ट है न्यूरोपैथी, जैसे बोला कि नस का तकलीफ होना, इसीलिए हम लोग पाइरिडॉक्सिन सब पेशेंट में देते हैं। लिवर फेलियर होना, तो आपने सब टीबी पेशेंट जो होते हैं उनकी एकेटी स्टार्ट करने से पहले एएलटी और बिलीरुबिन देखना बहुत जरूरी है। लेथार्जी और स्किन रैश, ये सब चीजें कॉमन है। अनकॉमन क्या है? पागलपन और खींच और आर्थराइटिस। सेकेंड चीज है रिफम्पिसिन। रिफम्पिसिन में आपको सबको पता है कि उसकी वजह से केसरी पेशाब होना एक कॉमन साइड इफेक्ट है। यू विल हैव येलो कलर का जो यूरिन होता है, यूरिन का जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज कलर का होता है,
अगर आप रिफम्पिसिन देते हो, और वो एक अच्छी बात भी है, तो आपको पेशेंट का कंप्लायंस भी पता चले। अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है कि रिफम्पिसिन लेने के बाद उसका यूरिन जो है वो ऑरेंज कलर या नारंगी कलर का नहीं हो रहा है, मतलब वो रिफम्पिसिन नहीं ले रहा है। दूसरी चीज के रिफम्पिसिन सिर्फ यूरिन में नहीं, बट जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, उसके अंदर भी सीक्रेट होता है। तो मुंह में ऑरेंज कलर का डिसकलरेशन होना वो नॉर्मल है, सब पेशेंट्स विमल नहीं खाते। उसकी साइड इफेक्ट होती है जीआई इंटॉलरेंस, पेट में अच्छा नहीं लगना, उल्टी उल्टी संडास जैसा ज्यादा लगना। फिर हेपेटाइटिस रिफम्पिसिन से भी हो सकता है, बट लेस लाइकली है। और चमड़ी के रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, क्यूटेनियस रिएक्शंस होना, और हेपेटाइटिस के साथ किडनी फेलियर होने के भी चांसेस बहुत रेयर है, और इसके अंदर ऑस्टियोमलेशिया और बोन पेन होना अनकॉमन है। दूसरा आपने याद रखना है, जो भी पेशेंट को एचआईवी की दवाई चल रही है उसके साथ रिफम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है, तो वो दवाई का मॉडिफिकेशन करना ऑफ एचआईवी ड्रग्स या रिफम्पिसिन के बदले रिफाब्यूटिन देना, वो आपने केस टू केस बेसिस पे देखना है और वैसे देना है। पाइरिजिनामाइड सबसे हिपेटोटॉक्सिक, सबसे सबसे लीवर पे खराब असर करने वाला ड्रग है, द मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है, और इसके अंदर आपको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और इथंबुटोल की साइड इफेक्ट ये है कि आपको बुलसाई मैक्युलोपैथी हो सकता है। आंख के पीछे की नस जो है उसमें सूजन हो सकता है, जिसको हम बुलसाई मैक्युलोपैथी बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट का एएलटी इज मोर देन 3 times नॉर्मल लिमिट, कि भाई एएलटी जो है, जो लिवर है उसकी एंजाइम्स आर नियरली 3 times ज्यादा है, तो वो पेशेंट को आपने क्या रेजिमेन देना है, उसको देना है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्स और इथंबुटोल। ये 3 जो एकेटी की ड्रग्स है, जो ट्यूबर एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग है, ये 3 जो ड्रग है वो लीवर पे अफेक्ट नहीं करती। तो ये 3 ड्रग आपको देनी है अगर ईएलटी बहुत ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे ईएलटी कम होता है एक एक करके ड्रग्स री इंट्रोड्यूस करनी है, और पेशेंट को वापस आपने जब तक 2 times लिमिट से कम नहीं हो जाता तब तक आपने कोई हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स चालू नहीं करना है। नाउ दूसरा सेकेंड लाइन जो ड्रग्स है, सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है उसका हम लोग ट्रीटमेंट मोटा मोटा साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो एक होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, उसके अंदर आपको टेंडिनाइटिस होता है, जो अमीनोग्लाइकोसाइड होता है उसके अंदर आपको ओटोटॉक्सिसिटी, कान में सुनने की तकलीफ और किडनी फेलियर बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, इथियोनेमाइड, इसके अंदर हेपेटाइटिस, हाइपोथायराइड और गोनाडल प्रॉब्लम्स, जैसे कि लिबिडो कम हो जाना या मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम होना या पिंपल हो जाना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है इथियोनेमाइड के साथ। और लास्ट ड्रग है साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन है ना, साइक्लोसेरिन इज द मोस्ट जो CNS को अफेक्ट करता है, तो इसके अंदर आपको कन्वल्जन और पागलपन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इंसोम्निया, साइकोसिस और सुसाइडल बिहेवियर, ये सबसे ज्यादा साइक्लोसेरिन में देखना मिलता है, और ये इसमें एलर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये मोटा मोटा साइड इफेक्ट हो गया है जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है वो। अभी हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट रेजिमेन को एक्सप्लोर करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी की ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो 2 months HREZ और 4 months HRE देते हैं। ठीक है, और जैसे हमने आगे देखा कि हम उसका 8 months तक कंटिन्यूएशन फेज बढ़ा सकते हैं, तो उसके अंदर आपने वैसे मॉडिफाई करना है आइसोनियाजाइड मोनो रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर आपने देना है 6 months लीवोफ्लॉक्स
रिफाम्बिसिन ई और जेड, ठीक है। तो ये आपका 6 मंथ्स का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और ये हम 3 महीने तक बढ़ा सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड फॉर 3 मंथ्स इफ नो इम्प्रूवमेंट, अगर पेशेंट अच्छा नहीं होता है तो 3 महीने तक ज्यादा देते, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं एमडीआर टीबी। तो एमडीआर टीबी को हम नई स्लाइड में ले लेते हैं। एमडीआर टीबी में सबसे ज्यादा एमडीआर टीबी, एमडीआर या आरआर टीबी जो होता है उसमें सबसे पहला रेजिमेन हम पढ़ते हैं शॉर्टर ओरल बेडाक्विलिन रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर हमने देना है 4 to 6 months बेडाक्विलिन, 6 months तक लियोफ्लॉक्स, क्लोफाजिमिन जेड और ई, फॉलोड बाय हाई डोज हम लोग देते हैं आइसोनियाजाइड और इथियोनेमाइड, और 5 महीने के लिए हम लोग दे सकते हैं मॉक्सीफ्लॉक्स, क्लोफाजिमिन जेड और ई। सो बेडाक्विलिन का रेजिमेन ऐसा है कि आपने 4 से 6 महीने पेशेंट को बेडाक्विलिन देना है और उसके बाद 6 महीने लेवोफ्लॉक्स, क्लोफाजिमिन जेड ई एच इथियोनेमाइड देना है, या 5 मंथ्स के लिए आपको मॉक्सीफ्लॉक्स, क्लोफाजिमिन जेड और ई देना है। तो ये हुई शॉर्ट जो ओरल बेडाक्विलिन का रेजिमेन है, इसके अंदर कोई इंजेक्टेबल नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंस होने के बावजूद देयर इज नो इंजेक्टेबल ड्रग। अभी शॉर्टर इंजेक्टेबल रेजिमेन हम देखते हैं जो अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर हम देते हैं 4 to 6 months ऑफ मॉक्सीफ्लॉक्स, कानामाइसिन या अमिकासिन, इथियोनेमाइड, क्लोफाजिमिन जेड हाई डोज और ई। तो हम लोग 4 से 6 महीने के लिए मॉक्सीफ्लॉक्स, 1 फ्लोरोक्विनोलोन, 1 अमीनोग्लाइकोसाइड, इथियोनेमाइड, क्लोफाजिमिन, पाइरिजिनामाइड, हाई डोज आइसोनियाजाइड और इथाम्ब्यूटोल, फॉलोड बाय कंटिन्यूएशन फेज ऑफ 5 मंथ्स ऑफ मॉक्सीफ्लॉक्स, क्लोफाजिमिन जेड और ई। तो ये हो गया हमारा शॉर्टल इंजेक्टेबल रेजिमेन जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूएशन फेज में इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स आर कानामाइसिन या अमिकासिन, और जो कंटिन्यूएशन फेज है उसमें वापस हम ओरल ड्रग्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी उसके बाद तीसरा एक रेजिमेन ये है कि ओरल लॉन्गर एक्टिंग रेजिमेन है, ओरल लॉन्गर रेजिमेन। इसके अंदर हम लोग 18 से 20 महीने के लिए लियोफ्लॉक्स और बेडाक्विलिन देते हैं, उसके साथ लीनाजोलिड, क्लोफाजिमिन और साइक्लोसेरिन। 18 से 20 महीने तक ओरल ड्रग सेम देनी है हमको, और ये हम देते हैं पेशेंट्स को लंबे समय तक, 18 से 20 महीने तक। और अगर आपने ऐसा देखा कि 5 महीने या 4 महीने पे आपने माइक्रोस्कोपी की और पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप ये लीनाजोलिड बंद कर सकते हो। सो लीनाजोलिड ये इसके अंदर ऑप्शनल ड्रग है। नाउ आखिरी चीज, अभी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टीबी जिसको हम बोलते हैं आईपीटी, आइसोनियाजाइड प्रोफाइलैक्सिस। तो इसके अंदर हम लोग एवरी पेशेंट ऑफ टीबी, जो टीबी कॉन्टैक्ट ओपन केस ऑफ पल्मोनरी कॉक्स के जो कॉन्टैक्ट में आया है, उसको हम या तो 10 mg/kg, 5 mg/kg, अगर लेस देन 5 ईयर्स है
तो हम 10 mg पर केजी देंगे, अगर मोर देन 5 ईयर्स है तो हम 5 mg पर केजी आइसोनियाजाइड देंगे फॉर 6 मंथ्स टू ऑल पेशेंट जिसका टीबी नेगेटिव आता है। टीबी प्रोफाइल करवानी है, जो टीबी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री जिसकी पॉजिटिव है उसका पूरा टीबी प्रोफाइल करवाना है आपने, और टीबी प्रोफाइल करवाने के बाद अगर उसका टीबी का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपने आइसोनियाजाइड प्रोफाइल एक्सेस चालू करना है वो पेशेंट को फॉर 6 मंथ्स। अगर आपके पास आइसोनियाजाइड प्रोफाइल एक्सेस का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप 4 महीने रिफाम्पिसिन दे सकते हो, या तो 6 महीने के लिए लियोफ्लॉक्स ले सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शन है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आप आइदर ऑफ द ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो आप ये दोनों भी दे सकते हो। इफ आइसोनियाजाइड इज नॉट अवेलेबल या उसकी टॉक्सिसिटी है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, तो आपने ये करना है पेशेंट के लिए। तो ये हो गई आइसोनियाजाइड प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी। नाउ व्हाट आर द सीवियर साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, तो सीवियर साइड इफेक्ट जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है। तो आपने याद रखना है कि सीवियर साइड इफेक्ट में एक होता है एटीटी, एकेटी इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर आपने 3 महीने के अंदर यूजुअली होता है, यूजुअली विद इन 3 मंथ्स के अंदर ही हो जाता है, और जिसके साथ जिसको हेपेटाइटिस, एचआईवी, ये सब इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं उसको चांसेस बढ़ जाते हैं ये होने के। सो आपका जैसे ईएसटी एएलटी जो है वो 3 टाइम से बढ़ जाता है, तो आपने सब जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो बंद करने हैं, और जब तक अनलेस वो लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्मल लिमिट में नहीं आते हैं, तब तक आपको लिवोफ्लॉक्स, इथामब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन पे पेशेंट को रखना है, और जैसे नॉर्मलाइज होता है आपको एक एक करके ड्रग इंट्रोड्यूस करना है, एक साथ नहीं करना है, और आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, और अगर पेशेंट का अगेन अगर ईएलटी ईएसटी बढ़ता है तो आपने वापस दवाई बंद करनी है। अभी एक चीज ये होती है पैराडॉक्सिकल अपग्रेडिंग रिएक्शन। ये क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है कि भाई आपने एकेटी चालू की पेशेंट को, और फिर आपने एक्सरे या एमआरआई करवाया और उसमें आपको दिख रहा है कि भाई लीशन तो बड़ा हो गया, जो टीबी का लीजन है वो साइज में बड़ा हो गया। सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल रिएक्शन, ये होना नहीं चाहिए था। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये होना नहीं चाहिए था, ये जो हमारा जो मान्यता है या जो समझने की जो क्षमता है उससे उल्टा हो रहा है, तो ये पैराडॉक्सिकल रिएक्शन होता है, और इसका ये हमको बैकट्रैक कर सकता है, बट पैराडॉक्सिकल जो रिएक्शन होता है वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और उसका ऐसा मतलब नहीं होता है कि टीबी की दवाई नहीं चल रही है। पैराडॉक्सिकल रिएक्शन रेयरली हो सकता है डिस्पाइट टीबी की दवाई काम कर रही है और कीटाणु मर रहे हैं। तो आपने पैराडॉक्सिकल रिएक्शन देख सकते हो, उसके लिए आप घबराना नहीं है और ट्रीटमेंट चालू रखनी है। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ लिम्फ नोड हो सकता है, या न्यू इन्फिल्ट्रेट्स एक्सरे पे हो सकते हैं, या इफ्यूजन बढ़ सकता है साइज में, या हाइड्रोसिफेलस बढ़ सकता है, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के पेशेंट को पल्मोनरी टीबी जैसा साइंस होने लगते हैं, तो ये सब हो सकता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, अपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी है, और रेगुलर फॉलोअप पे आपको पेशेंट को देखते रहना है। अभी आप जैसे हमने मोस्ट ऑफ सब कवर कर लिया है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी और उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में, तो पीडियाट्रिक टीबी की जो डेफिनेशंस है वो भी हमने देख ली है, जो लेटेस्ट एनटीपी ने जो गाइडलाइंस दी है वो सब भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करने का ट्राई किया है, और जैसे फॉलोअप का जो मैनेजमेंट है उसका टेबल वील एड, जो फॉलोअप में क्या क्या आपको देखना है, और दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। आपको आशा करता हूँ आपको सब ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद अगर आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।